ज्यादातर घरों में धूप ना होने की वजह से हम इंडोर प्लांट लगाना पसंद करते हैं, यानी प्रेफर करते हैं। वो एक तरह से कह सकते हैं मजबूरी है, क्योंकि धूप है नहीं तो हम ना फूल वाले पौधे लगा सकते हैं और ना ही फल वाले पौधे या सब्जी भी नहीं लगा सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम आ जाते हैं ऐसे पौधे पे जो कि बिना धूप में चल जाए या कम से कम सनलाइट में चल जाए, ब्राइट लाइट में चल जाए। तो ऐसे कंडीशन में जो पौधे हम लगाएंगे, वो पौधे में से आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ हार्डी पौधे शेयर करूंगी, जिससे कि आप अगर अपने गार्डन को, बालकनी गार्डन, इंडोर गार्डन को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो जरूर लगा लें, क्योंकि ये पौधे आसानी से मरते नहीं हैं। यानी पौधे तो होते हैं ढेर सारे, लेकिन उनमें से कुछ हार्डी होते हैं, कुछ डेलिकेटेड होते हैं। तो डेलिकेटेड पौधे में नहीं जाना है, क्योंकि हम सभी को पता है कि इंडोर पौधे जो होते हैं, इंडोर प्लांट जो होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा महंगे आते हैं। तो महंगे पौधे के पीछे पैसे इन्वेस्ट करने से पहले हमें सोचना होता है कि इनमें से कौन से पौधे हार्डी हैं, जो कि आसानी से मरेंगे नहीं और हमारे गार्डन में लंबे समय तक बने रहेंगे, जिससे कि हमारे पैसे वेस्ट ना हो। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से ऐसे इंडोर हार्डी प्लांट हैं जिन्हें कि हम अपने गार्डन में लगा सकते हैं। मैंने खुद लगा रखा है और कंडीशन कैसी चाहिए मैं साथ ही साथ आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो पौधे लगाते वक्त, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, बिगनर्स हैं, या फिर वो पौधा नया अपने गार्डन में ऐड कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इनमें से सबसे पहला पौधा जो है वो है फ्रेंड्स पाम का। पाम में काफ़ी सारी वेराइटी आप देखेंगे, जैसे कि एरेका पाम, उसे आप इंडोर रख सकते हैं, जैसे कि ये लेडी पाम, इसे भी आप रख सकते हैं। तो इन पौधों को फ्रेंड्स बहुत ही आसानी से आप अपने घर के अंदर रख सकते हैं, लेकिन घर के अंदर का मतलब ये नहीं है कि वहाँ रोशनी भी ना आए। तो इन पौधों को रखने के लिए आपको एकदम से ब्राइट लाइट में रखनी होगी, बाहर से अच्छी एरेशन हो, अच्छी सी पूरे दिन की रोशनी हो, ऐसी जगह रखेंगे तभी ये पौधा अच्छे से ग्रो होता है। अदरवाइज 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में या फिर ज़्यादा से ज़्यादा साल भर में आपका वो पौधा खराब हो जाएगा। अगर आप कंप्लीट इंडोर रख रहे हैं तो उसे हफ्ते 10 दिन में एक बार बाहर रखिए, लेकिन बाहर रखते वक्त ध्यान रखिए कि उसे सीधी धूप में नहीं रखना है, आपको उसे शेड में ही रखना है, बस खुली रोशनी में रखना है। अंदर लंबे समय तक रहने के बाद पौधा जब बाहर चला जाता है आउटडोर और उस पर धूप पड़ जाती है तो वो पौधा खराब हो जाता है, इसीलिए इस बात का ध्यान रखिए। सबसे पहले नंबर में आता है ये पाम का पौधा, जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्डी है, जड़ों के पास से फैलता है आप देख सकते हैं, और आसानी से मरता भी नहीं है। अगला जो पौधा है फ्रेंड्स वो है सफलेरा का। सफलेरा के पौधे बहुत ही हार्डी होते हैं, इजी टू ग्रो होते हैं, और मैंने जब गार्डनिंग शुरू करी थी तो स्टार्टिंग पीरियड में ही मैंने ये पौधे, ये जो सफलेरा का पौधा है, इसे मैंने ऐड किया था। ये पौधा फ्रेंड्स काट छाट इसको करते रहिए तो ये छोटे हाइट में रहता है, अदरवाइज ये बहुत बड़ा बन जाता, पेड़ बन जाता है, जो कि हमारे यहाँ पे तो काफ़ी सारे रोड साइड एरिया में भी लगा हुआ है। तो आप भी देखेंगे रोड साइड एरिया में इस पौधे को लगाया जाता है, बहुत सुंदर लगता है दिखने में, बारिश के दिनों आप वहां से कटिंग लाके भी लगा सकते हैं। और ये पौधा फ्रेंड्स इतना हार्डी है कि आपके गार्डन में आने के बाद आसानी से पौधा मरेगा नहीं। इसे पूरे दिन की ब्राइट लाइट में रखनी है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं वही पौधे आपके साथ शेयर कर रही हूं जो मैंने खुद अपने टेरेस पे, जो मैंने शेड बनाया है उसके नीचे मैंने जो पौधे रखे हैं, मैं वही शेयर कर रही हूं जहां की बहुत अच्छी सी रोशनी आती है, धूप नहीं आती है, मॉर्निंग और इवनिंग की हल्की हल्की छन के धूप आती है, वो ना के जैसे ही मैं कह सकती हूँ, लेकिन रोशनी बहुत अच्छी होती है। तो ऐसी जगह आपको इस पौधे को रखना है, ग्रोथ काफी अच्छी होगी, पौधा काफी हेल्दी रहेगा और आसानी से मरेगा भी नहीं। नेक्स्ट पौधा है फ्रेंड्स सॉन्ग ऑफ इंडिया। सॉन्ग ऑफ इंडिया भी काफ़ी हार्डी पौधा होता है, इजी टू ग्रो है, कटिंग से बहुत आसानी से लगा सकते हैं। इस टाइम बारिश के मौसम में इसकी टिप वाली जो कटिंग होती है, यानी ऊपर का जो कटिंग का हिस्सा होता है, ऊपर का जो हिस्सा होता है, उसे कटिंग से ग्रो करिए, आसानी से आप ग्रो कर सकते हैं। ये जो जितने भी पौधे देख रहे हैं सब मैंने कटिंग से ही ग्रो किया है। इसका मदर प्लांट आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी आसानी से ये पौधा कटिंग से ग्रो हो जाता है, तो इसकी टिप वाली ही कटिंग हमेशा लीजिए, वो जल्दी ग्रो होता है। तो बहुत ही हार्डी है, इसे आप इंडोर आउटडोर भी रख सकते हैं। मैंने काफ़ी साल तक इस पौधे को आउटडोर भी रखा था, अभी फ़िलहाल मैं इसे इंडोर रखी हुई हूँ, तब भी ये बहुत अच्छे से चल रहा है, लेकिन ये धूप में भी काफ़ी अच्छी तरीके से चलता है।
नेक्स्ट हार्डी पौधे में आता है फ्रेंड्स रबर प्लांट। रबर प्लांट अगर आप लगा रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि स्टार्टिंग अगर कर रहे हैं रबर प्लांट लगाने का, यानी अभी तक आपने लगाया नहीं है, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप वेरीगेटेड वाला ना ले। इस तरीके के आप ब्लैक वाला ले सकते हैं, ग्रीन वाला ले सकते हैं, लेकिन वेरीगेटेड वाला आपको स्टार्टिंग में नहीं लेना है। वो थोड़ा डेलिकेटेड होता है, उसको देखना पड़ता है, वो विंटर सीजन में परेशानी होती है उस पौधे के साथ। लेकिन ये जो है ये काफी हार्डी होता है, तो रबर प्लांट भी आप लगा सकते हैं। बहुत ही हार्डी है, कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है। ये भी पेड़ होता है बड़ा, अगर आप इसे काट छाट करते रहेंगे तो ये छोटे हाइट में आप रख सकते हैं। और इस पौधे के साथ फ्रेंड्स आप ध्यान रखिएगा कि इसे आपको ज्यादा रोशनी वाली जगह पे रखना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने उस साइड रखा है जिससे कि इसे प्रॉपर तरीके से रोशनी मिल सके। तो इस पौधे को फ्रेंड्स आप बार बार रिपोर्ट भी ना करें, क्योंकि ये पौधा रूट बाउंड पसंद करता है। इसकी जड़ें पहले बहुत अच्छी तरीके से फैलती है, उसके बाद ही इसमें ऊपर की ग्रोथ अच्छी दिखती है। तो इसे रिपोर्ट बार बार ना करें, कम से कम 4-5 साल 6 साल आप आराम से किसी भी पॉट में रख सकते हैं। मैंने खुद इसे एक वेस्ट डब्बे में लगा रखा है जो कि ऑलमोस्ट 2 साल हो चुका है और मैंने अभी तक इसे चेंज नहीं किया है, और अभी मैं नहीं करूंगी जब तक मुझे ऐसे फील ना हो, क्योंकि ये पौधा जो है ये रूट बाउंड पसंद करता है और बहुत ही ज्यादा हार्डी होता है। अगला जो पौधा है फ्रेंड्स वो है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट में आपको दो तरह के पौधे दिखेंगे, एक ड्वार्फ वाली वेराइटी जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और एक ये टॉल वाली वेराइटी। दोनों ही बहुत ज्यादा हार्डी होता है, आपके इंडोर घर के अंदर चलने वाला पौधा है। ये पौधा फ्रेंड्स आप घर के अंदर बेडरूम में रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको कंडीशन बता दूं, बेडरूम में ये पौधा चलेगा जरूर, ऐसी जगह जहां की रोशनी नहीं आती है ये पौधा चलता है, लेकिन इसकी ग्रोथ थम जाती है या धीरे धीरे होती है। लेकिन अगर आप इसे रोशनी में रखेंगे या फिर धूप में रखेंगे तो ये पौधे बहुत अच्छे तरीके से चलते हैं। इसमें जो बेबी प्लांट्स निकलते हैं जिसकी वजह से ये पौधा अपने आप को फैलाता है वो फटाफट होता है, यानी जल्दी जल्दी उसके बेबी प्लांट्स निकलते हैं। बहुत ही हार्डी है, नहीं मरता आसानी से। पानी बस इस पौधे को कम चाहिए, 15 दिन 20 दिन में 1 दिन पानी दीजिए, पौधा नहीं मरता है। और बहुत अच्छी ग्रोथ के लिए आप इसे धूप में भी रख सकते हैं और 1-2 घंटे की धूप में या ब्राइट लाइट में रख सकते हैं। ऐसा कंडीशन नहीं है तो आप इसे शेड में भी रख सकते हैं। अगला पौधा है फ्रेंड सिंगोनियम। सिंगोनियम के पौधे को भी आप जरूर अपने गार्डन में ऐड करिए, जिससे कि आप इससे बहुत सारे पौधे भी तैयार कर सके, साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इसकी खूबसूरती अपने गार्डन में भी ले सके। ये बहुत ही हार्डी है, आसानी से नहीं मरता है, और इसकी खूबसूरत पत्तियां आपके गार्डन में काफी ज्यादा खूबसूरती भी देती है। तो इस पौधे को जरूर आप लगाइए। इसके बाद फ्रेंड्स आप स्पाइडर प्लांट लगा सकते हैं, जिसमें कुछ इस तरीके से रनर्स भी निकलते हैं, नए नए बेबी प्लांट्स भी निकलते हैं और जड़ों के पास से भी पौधा फैलते रहता है। तो डबल तरीका है इसे डिवाइड करके बहुत सारे पौधे बनाने का। तो जरूर आप इस पौधे को लगाएं। इस पौधे के साथ ये कंडीशन आपको, इस पौधे के साथ आपको ये ध्यान में रखना है कि ये पौधा जो है ओवर वाटरिंग से खराब हो जाता है। इसके नीचे जो है मिट्टी में ट्यूबर्स होते हैं, छोटे छोटे ट्यूबर्स होते हैं जो कि ओवर वाटरिंग से गल जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है, आपको इसे ओवर वाटरिंग नहीं करनी है और आप इसे धूप में नहीं रखेंगे, धूप में रखने से पौधा खराब हो जाता है। अगला जो पौधा है फ्रेंड्स वो है क्रोटोन का। क्रोटोन का पौधा ये जो आप देख रहे हैं, मैंने गार्डनिंग शुरू की थी, ये भी पौधा उसी टाइम का ही है, बहुत ही हार्डी है। इस पौधे के साथ मैंने देखा है कि इसे अगर आप धूप में रखते हैं तो ये पौधा खराब होने लगता है, जलने लगता है, क्योंकि मेरे पास काफी सारे क्रोटोन की वेराइटी है, उसमें सब पौधे को मैंने धूप में रखा है, लेकिन इस पौधे को मैं धूप में नहीं रख सकती। ट्राई किया था मैंने एक बार धूप में रखने का, लेकिन पत्तियां सारी जलने लगी थी। तो इस पौधे को आप लगा सकते हैं इस, और या फिर आपके यहाँ अगर बालकनी में थोड़ी बहुत धूप आती है या अच्छी सी ब्राइट लाइट है तो अदर प्लांट भी आप क्रोटोन का लगा सकते हैं। मेन क्रोटोन के प्लांट को लगाने के लिए आपको हल्की 1-2 घंटे की धूप देनी होगी या फिर पूरे दिन की बहुत अच्छी सी रोशनी देनी होगी। ये पौधा बहुत ही हार्डी होता है, आसानी से मरता नहीं है और बहुत अच्छे से चलता है। इसके बाद फ्रेंड्स आप अपने गार्डन में जरूर ऐड करिए यूका का पौधा। आप देख सकते हैं ये मेरे जो मेन मदर प्लांट था उनमें से सब मैंने अलग करके लगाया है। यूका का पौधा इंडोर बहुत आसानी से चलता है, आसानी से मरता भी नहीं है, आसानी से क्या मैं तो कहूंगी मरता ही नहीं है।
ओवर वाटरिंग नहीं करेंगे तो ये पौधा कैसे भी चल जाता है और बहुत सुंदर लगता है, और बहुत जैसे जैसे बड़ा हो जाए होने लगता है इसकी ब्यूटी बढ़ने लगती है। तो आप युवका के पौधे को भी लगा सकते हैं। तो इंडोर ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जिन्हें कि आप लगा सकते हैं, काफ़ी हार्डी होते हैं, आसानी से मरते नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स आप हार्डी पौधे में मनी प्लांट को तो लगा ही सकते हैं, एक सबसे ज़्यादा हार्डी पौधा होता है ये, कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है, घर के अंदर कहीं पे भी रख लीजिए, खूबसूरती बढ़ाता है और बहुत अच्छे से चलता है। अब एक टिप्स जिसे कि आप अपने इंडोर प्लांट को हमेशा स्वस्थ और हरा भरा रख सकते हैं, इंडोर प्लांट को हमेशा ब्राइट लाइट में रखिए, एकदम अंधेरी जगह पे ना रखिए। ओवर वाटरिंग नहीं करना है इन पौधों को, क्योंकि इंडोर प्लांट जो होते हैं ओवर वाटरिंग से ही खराब होते हैं। घर के अंदर रखा जाता है इसीलिए पानी इसकी जल्दी ड्राई नहीं, मिट्टी इसकी जल्दी ड्राई नहीं होती है, जिसकी वजह से मिट्टी में फंगस का अटैक होने का चांसेस जो है ये बढ़ जाता है। इसीलिए पानी कम से कम दें, मिट्टी सूख जाए उसके बाद ही पानी दीजिए, और मिट्टी एकदम से विल ड्रेन बनाइए। इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो इंडोर प्लांट कभी खराब नहीं होगा। और टाइम टाइम पे इंडोर प्लांट पे मिस्टिंग यानी सावर जरूर दीजिए, जिससे कि पत्तियां भी धुल जाए और पौधे में जो मॉइस्चर लेवल है वो बना रहे। इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप इंडोर गार्डन बहुत ही खूबसूरत सा एक इंडोर गार्डन बना सकेंगे। और इन जो पौधे मैंने आज आपके साथ शेयर किए, ये सारे पौधे अगर आप लगाते हैं तो ये आपके साथ सालों साल बने रहेंगे, आसानी से ये पौधे मरते भी नहीं है। तो फ्रेंड्स होने को तो बहुत सारे पौधे हैं इसके, लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी सारे पौधे शेयर किए हैं। इसके अलावा अगर आपकी रिक्वायरीज हो तो मैं और भी पौधे आपके साथ शेयर कर सकती हूँ जो कि बहुत ही हार्डी हो, तो आप कमेंट करके बताइएगा, आगे किसी वीडियो में मैं शेयर कर दूंगी। फिलहाल के लिए इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो फ्रेंड्स एक लाइक जरूर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स, देन प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल बटन भी दबाएं, जिससे कि आगे मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नई किसी इंटरेस्टिंग सी जानकारी के साथ। ओके देन, बाय।